ये हेड्स अप भी थोड़ा मिल ही चुका होगा कि पार्ट टाइम जॉब अभी ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो भी रिलेशनशिप स्कैम्स भी बहुत चल रहे हैं, पुलिस अब मेरे पीछे पड़ चुकी है, मैंने कोई क्राइम कर दिया, अंदर पीआर भी बहुत ज्यादा हार्ड हो जा रही है डे बाय डे। हेल्थ केयर क्या है, कोई स्टैम्प क्या है, या फिर ट्रेड स्किल के अंदर मेन टेक में जो बच्चे आ रहे हैं ना उन्हें पहले ही घबरा रखा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नए स्टूडेंट्स कनाडा आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत से बच्चों का एक्साइटमेंट है कि फाइनली चलो हम कनाडा पहुंच गए, बट बहुत से ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत कुछ देख के आ रहे हैं और उनके माइंड में कहीं ना कहीं टेंशन चल रही है कि हमारा क्या होगा कनाडा पहुंचने के बाद। तो बहुत सी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल चीजें हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं ताकि आपका ट्रांजिशन जो है वो थोड़ा ईजी हो जाए। तो बिना टाइम को वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब एक तो ना मेन टेक में जो बच्चे आ रहे हैं ना उन्हें पहले ही घबरा रखा है कि भाई मेन टेक से वर्स्ट इनटेक होता है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है उनके साथ। सो गाइस, ये फालतू की टेंशन नहीं लेनी, कौन सा कोर्स लेके आ रहे हो, आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, ये ज्यादा डिपेंड करता है। और इवन अगर अपने पॉजिटिव साइड देखें तो मेन टेक के अंदर वेदर जो होता है वो बहुत सही हो जाता है, पीछे आप ग्रीनरी भी देख सकते हो, विंटर्स यहाँ के बहुत डिप्रेसिंग है एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो एकदम से जो बच्चे विंटर में आते हैं ना आते ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो आपको आते ही ना 4 महीने बढ़िया माहौल देखने को मिलेगा, उसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, बात करते हैं जल्दी से आपको यहाँ आते ही जो काम करने हैं। पहली चीज देखो, आते ही आपको यहाँ पे सिम चाहिए, उसके बिना ना तो आप गूगल मैप्स चला सकते हो ना किसी को कॉल कर सकते हो। सिम लेते ही आपको अपना बस पास बनवाना है ताकि आप पब्लिक ट्रांजिट यूज करके कहीं पे भी आना जाना है तो वो सारा काम कर सको। उसके बाद अगर आप जॉब वगैरह ढूंढना स्टार्ट कर रहे हो तो काम करने के लिए आपको सिन नंबर चाहिए होता है, वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन आप कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके भी बना सकते हो, मैंने ऑनलाइन ही लिया था, बट आपको जाके अगर इन पर्सन लेना है तो आप सर्विस कनाडा से जाके ले सकते हो। और साथ में सबसे मेन काम, जो आप GIC भर के आए हो $10,000 की, अब नए बच्चे जो सेप्टेम्बर से आएंगे उन्होंने तो $20,000 GIC भरी है, बट आप अभी 10,000 वाले ही हो, आपको यहाँ आते ही बैंक की अपॉइंटमेंट लेनी है और बैंक जाके अपना अकाउंट खुलवाना है। $10,000 GIC में से 2,000 आपके सीधे अकाउंट में आ जाएंगे जिसे कि आपने यूज नहीं करना। ये नहीं कि 2,000 आते ही गुलछर्रे उड़ाने स्टार्ट कर दिए, वो पैसे आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आपको ये हेड्स अप भी थोड़ा मिल ही चुका होगा कि पार्ट टाइम जॉब अभी ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो 2,000 आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, फिर लमसम आपको लगभग $650 पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलते रहते हैं। अब जब आपने सिम ली है ना यहाँ आते ही, वो फोन बिल के ऊपर आपने एक एड्रेस लिखवा लेना है जो कि आपने हर जगह यूज भी करना है, क्योंकि कहीं भी आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना सिम जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, और जब आप अकाउंट खुलवाने जाओगे क्रेडिट कार्ड के लिए भी वो आपसे एड्रेस पूछते हैं और कभी कभी आपसे एड्रेस प्रूफ भी मांग लेते हैं, और साथ में आपको एक आईडी भी चाहिए होगी, आप हर जगह पासपोर्ट लेके तो जा नहीं सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक रिटन टेस्ट देना होता है G1, जो कि ड्राइवर लाइसेंस आईडी होती है आपकी। G1 पे बेसिकली आप गाड़ी सीखते हो और उसके बाद आप आगे G2 या फिर G लाइसेंस भी ले सकते हो। सो ये तो हो गया पहली कुछ चीजें जो आपको आती है यहाँ पे कर लेनी है। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉलेज रूम और वर्क की। अब देखो, अगर आपको पार्ट टाइम काम मिल जाता है फिर तो आप कॉलेज से दूर रह सकते हो, बट अगर आपको काम नहीं मिला आते ही तो जितना हो सके कॉलेज के पास रहना ताकि आपका जो खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का वो ज्यादा से ज्यादा बच सके, आपका जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा बच सके। और आपके इनिशियल जो 6 months या फिर 12 months रहने वाले हैं ना उसके अंदर कोई भी आप लीज साइन मत करना, क्योंकि यू नेवर नो, स्टार्टिंग में आप जॉब्स वगैरह स्विच करते हो, आपके रूममेट्स भी स्विच होते हैं, किससे बन रही है नहीं बन रही, कॉलेज जाते हो, नए दोस्तों से मिलते हो। सो टेम्परेरी स्टेज ही ढूंढो जिसके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं है, एंड जल्दबाजी मत करना। आफ्टर 6 to 4 months आपको खुद समझ आएगा कि आपको कहाँ और किसके साथ रहना है। तो पार्ट टाइम जॉब को लेकर तो आई गेस आज के टाइम में हर स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है कि हो सकता है मैं यहाँ पहुंच के 2-3 महीने या 4 महीने जॉब ना भी मिले, तो उसमें आप अपना सर्वाइवल कैसे करोगे GIC से। इसीलिए मैंने आपको बोला था जो $2,000 आपको स्टार्टिंग में मिल रहे हैं उसके बाद जो हर महीने $650 मिलेंगे आपको, वो $650 में आपका काम नहीं चलने वाला, वो 2,000 में से भी आपको कुछ पैसे बचा के थ्रू आउट द मंथ यूज करने पड़ेंगे ताकि आप किसी तरीके के डेट में ना जाओ। और जैसे ही आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपके जो मंथली फाइनेंशियल्स है वो थोड़े से मैनेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ते, बात करते स्टडी की। अब बहुत से बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, स्टडी को सीरियसली नहीं लेते, या फिर आपने न्यूज में भी सुना होगा कि कुछ बच्चों को बहुत से सब्जेक्ट्स में फेल कर दिया था और स्टूडेंट्स बाद में ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि हमें फी के लिए कि कॉलेजेस की और कमाई हो सके इसलिए हमें फेल कर दिया कि हम ट्यूशन फी वापस दें। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है कि भाई ऑलरेडी आपको बहुत टाइट बजट पे रहना पड़ेगा और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो वो ट्यूशन फी आपको वापस देनी पड़ेगी, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट होगा, सारा जो आपका इमिग्रेशन वाला प्रोसेस है वो भी डिले पे और डिले हो जाएगा। सो एक सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी, पहले दिन से स्टडीज को सीरियसली लेना है। यहाँ का सिस्टम ना बहुत डिफरेंट है, कईयों को बहुत अच्छा भी लगता है, कईयों को बुरा भी लगता है। लोग बहुत कहते हैं कि भाई यहाँ पे ना हर हफ्ते असाइनमेंट होते हैं, हमें तो सांस ही नहीं मिलता। इंडिया में ठीक था, साल में एक बार एग्जाम होते थे और खत्म कहानी। बट इसको कुछ लोग पॉजिटिव वे में भी लेते हैं कि भाई एकदम से पहाड़ नहीं टूटता कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है और सारा प्रिपेयर करके एग्जाम दो और फेल हो गए तो गए। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि अच्छा है, थोड़ा थोड़ा करके हर हफ्ते निकलता रहता है और फेल होने के चांसेस आपके बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। आगे आपको जॉब भी करनी है, बहुत से लोगों का प्लान होता है यहाँ पे
परमानेंटली सेटल होने का, तो उसी पे अपने आगे बढ़ते हैं। अभी स्टार्टिंग में तो आप एक बार पार्ट टाइम जॉब कोई भी ढूंढोगे, स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद आपने स्किल जॉब भी देखनी है। अब आपको भी पता है कनाडा के अंदर पीआर भी बहुत ज्यादा हार्ड हो जा रही है डे बाय डे, और कनाडा अब कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस भी निकाल रहा है जिसके अंदर जो स्किल के लोग उन्हें चाहिए उन्हीं के वो पर्टिकुलर ड्रॉस निकाल के ले रहे हैं। अब कुछ बंदों ने भाई फ्रेंच सीखनी स्टार्ट कर रखी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, कि जब हमारा टाइम आएगा पीआर लगाने का उस टाइम हम फ्रेंच के भी एक्स्ट्रा पॉइंट रिडीम कर लेंगे और हो सकता है हमारे पीआर होने के चांसेस भी बढ़ जाएं। तो कोई बंदा हेल्थ केयर का है, कोई स्टेम का है, या फिर ट्रेड स्किल के अंदर, आप कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके सारी ऑक्यूपेशन चेक कर सकते हो, और उसी में अगर आप स्टडी के बाद अपना करियर बनाते हो, देखो ये चीजें सफल होती रहती हैं, रूल्स ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी करते रहते हैं। तो आपकी जो स्ट्रगल है ना वो इंडिया में खत्म नहीं हुई जब आपका वीजा आ गया था, स्ट्रगल आपकी फ्रॉम द डे वन यहाँ लैंड होने के बाद शुरू होगी कि अब आपको स्टडी करके किस फील्ड में आगे निकलना है, और एट द सेम टाइम अगर आप पीआर का सोच रहे हो तो वो किस तरीके से लेनी है। अब नए बच्चे जब यहाँ पे आते हैं ना, सबसे ज्यादा ना स्कैमर्स की तरफ से उनको टारगेट किया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके के स्कैम है, आपको हर जगह बच के रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको आते यहाँ पे फोन पे टेक्स्ट मैसेजेस आने लग जाएंगे कि आपका ये पार्सल वहां पड़ा है। भाई आपने अगर कुछ ऑर्डर भी किया है ना तो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही लिंक वगैरह कोई क्लिक करना, अपने मैसेजेस पे ध्यान मत देना। मेरे को भी आज फिर से 2-3 आ रखे हैं कि मेरा ये पार्सल आ रखा है, वो आ रखा है, बस वो क्लिक करवाएंगे, आपकी पेमेंट मेथड लेंगे और पैसे उड़ा के ले जाएंगे, या फिर आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स उन्होंने चोरी करनी होगी। उसके अलावा आपको फोन कॉल्स भी आएंगे। मैं भी जब पहली बार कनाडा आया था ना, मेरे को एक फोन आता है, पुलिस अब मेरे पीछे पड़ चुकी है, मैंने कोई क्राइम कर दिया अनइंटेंशनली, मेरे को पता नहीं था बट मेरे से हो गया, तो अब मेरे पे चार्जेस लगेंगे, मेरे कोर्ट केस होंगे, और इस तरीके से वो आपको उलझाते हैं। तो भाई डरना नहीं है, मैं बहुत डर गया था, पर मेरे को फिर दोस्तों ने बताया कि ये सारे फेक कॉल्स हैं, यहाँ पे खूब आते हैं। और उसके अलावा भाई जितने भी बैचलर्स आ रहे हैं, अपनी स्टडी पे और अपने करियर पे ज्यादा ध्यान देना। कुछ बंदे रिलेशनशिप्स की तरफ भी भागना स्टार्ट कर देते हैं कि यार कोई पार्टनर मिल जाए, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बना ले या बॉयफ्रेंड बना ले, तो भी रिलेशनशिप स्कैम्स भी बहुत चल रहे हैं। एंड आपको फेसबुक पे या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अगर आप किसी बंदे को नहीं जानते, वो स्ट्रेंजर है, तो कभी भी ये मिस्टेक मत करना उन पे ट्रस्ट करने की, वो आपको बहुत अलग अलग तरीके से हार्म कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी ना आप अपनी सेफ्टी बना के रखना। अब भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है बी ग्रेटफुल। अब देखो भाई एम्प्लॉयमेंट मिलती है नहीं मिलती, इन्फ्लेशन महंगाई ज्यादा है या कम है, ये सारी चीजें आपको हर एक कंट्री में देखने को मिल जाएगी। इंडिया को उठा के देखोगे वहां भी चल रहा है, यूरोप में भी यही सेम सीन चल रहा है, रशिया की अलग लंका लगी हुई है, यूएसए में अलग प्रॉब्लम चल रही है, तो प्रॉब्लम्स आपको हर कंट्री में मिल जाएंगी। कनाडा की भी कुछ है, रिसेंटली 5 सालों में कुछ शायद ज्यादा ही बढ़ रखी है, बट स्टिल अगर आप कंपेयर करोगे ना, कोई कंट्री सही गलत नहीं है, सब जगह ही आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। बात आती है सिर्फ आपके ऊपर कि आप बाकी भीड़ से अलग निकल के कैसे खुद का फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हो। आपको लाइफ में सेटबैक्स मिलेंगे, फेलियर मिलेगी, बट यही दोनों चीजें ना आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। सो मोटिवेटेड रहना, निराश नहीं होना। सो ये था गाइस, मैंने सोचा नए बच्चे लैंड हो रहे हैं हर दिन और कुछ तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने सोचा ये वीडियो जरूर बनाई जाए। और साथ में अगर आप कोई और वीडियो भी चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल जॉब्स को लेके, या फिर और भी किन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं भाई अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।